हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से पहाड़ी डेरा चैनल में। मेरा नाम है सुशांत नियाल और कल लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग हर्षिल पहुंचे थे और हर्षिल पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा सा देर हो गई थी, तो इसलिए मैं हर्षिल में नहीं दिखा पाया आपको कई सारी चीज़ें। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं अब आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हर्षिल में एक पोस्ट ऑफिस, और जिन लोगों ने एक पुरानी मूवी है राम तेरी गंगा मैली वो अगर देखी है तो उसमें ये पोस्ट ऑफिस की भी शूटिंग है। सो वो ये है, और ये पोस्ट ऑफिस आप देखेंगे ये पोस्ट ऑफिस अभी भी वैसा का वैसा ही है जो उस मूवी में था। अभी हम जिस जगह पर रुके हैं उसका नाम है GMVN का ये गेस्ट हाउस है। सो वहाँ पे हम रुके हुए हैं, और मेरे हिसाब से क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पे आया था, और शायद हर्षिल में इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल आप देखेंगे गंगा के किनारे पे है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अपने पीछे, ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये गंगा बह रही है, और ये यहाँ से गंगोत्री है 25 किलोमीटर दूर। सो वहाँ से गौमुख से ये गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ से ये आ रही है। इसके अलावा मैं हर्षिल का ये रिज़ॉर्ट आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइस, ये मेन एंट्रेंस है हर्षिल GMVN का, हम देख सकते हैं यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं और यहाँ से ये पूरा का पूरा गेस्ट हाउस स्टार्ट हो जाता है। हम देख सकते हैं बहुत बढ़िया ढंग से इन लोगों ने मेनटेन किया हुआ है ये, और यहाँ पर डिमरी जी हैं जो अभी मैनेजर हैं। सो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर, और आप देख सकते हैं एक वो जो सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये वाले जो रूम्स हैं, ये इसमें दो कैटेगरी हैं, डिलक्स सुपर डिलक्स, वो आप GMVN की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेन रिसेप्शन एरिया है, यहीं पे आपका जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का सीन होता है वो यहीं पर होता है अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये GMVN गेस्ट हाउस के ठीक बगल में आप देख सकते हैं सेब का एक बहुत बड़ा बागीचा है यहाँ पे, और यहाँ के सेब बहुत ज़्यादा फेमस हैं आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा बागीचा है। ये है GMVN का डाइनिंग एरिया, और ये हैं अपने मुकेश भाई जो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। बाकी एक और बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, जैसे आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत अकेले में कुछ टाइम बिताना है या दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठना है एक अपने रूम को छोड़ के, तो ये इन्होंने छोटे छोटे 2-4 हट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर जाके आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा रूम्स जो हैं और बाकी उनमें जो भी कैटेगरी, उसमें एक अलग सी एक ये कैटेगरी है जिसमें ये हट्स हैं, और इनका जो भी प्राइस है जो भी रेट है इनका, ये आपको GMVN की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं, इसमें जो एक अलग चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको बालकनी भी मिलती है।
ठीक है दिमरी, थैंक यू, धन्यवाद। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। पक्का पक्का पक्का। और इस साल जो जिन लोगों को सबसे ज़्यादा मिस किया जा रहा है इस ट्रिप में, वो हैं एक पवन नेगी, जिनको हम प्यार से मुन्ना बुलाते हैं, और दूसरे हैं देवेश भाई, देवेश तिवारी, तिवारी जी हमारे। क्योंकि लास्ट ईयर तिवारी जी ने ही कहा था कि अगर चलना है तो हर्षिल चलते हैं, वो भी ऐसे इंस्टेंट प्लान बना था, और उन्होंने कहा था कि अगर रुकेंगे तो फिर GMVN में ही रुकेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि वहाँ जो मज़ा आता है, वहाँ जो सुकून है, वो कहीं नहीं है। सो इन दो लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है।